हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड डिफेंस अपडेट में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इसराइल के एक नए कारनामे के बारे में जिसने पूरे दुनिया को हैरान कर दिया है। ये कारनामे है युद्ध में दुश्मन के जब किए गए हथियारों को एक एडवांस हथियार में तब्दील करना। फ्रेंड्स, इसराइल ने अरब इसराइल वैर के समय अरब देश से कैप्चर किया हुआ T-55 और T-54 टैंकों को एक हेवी आर्मर पर्सनल कैरियर अक्सरी में कन्वर्ट किया है। 1967 में तीन अरब देशों जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट की तरफ से इसराइल पर हमला किया गया था। उस वक्त इन देशों को इराक और लेबनान जैसे देशों का भी समर्थन था। इस युद्ध के दौरान 6 दिनों में ही इसराइल द्वारा शिकस्त दिया गया था। वही लड़ाई के दौरान इसराइल ने अरब देशों के कई सारे हथियारों पर कब्जा कर लिया था। इन हथियारों में उस समय के सोवियत संघ द्वारा बनाया हुआ T-54 और T-55 टैंक भी शामिल था। इन कैप्चर किए हुए हथियारों को इसराइल द्वारा अपने तरीके से मॉडिफाई करके एक टैंक में बदल दिया गया है और इसराइल की तरफ से इसका नाम टेरन नाम दिया गया था। फ्रेंड्स, टेरन टैंकों के निर्माण करने के लिए T-54 और T-55 टैंकों के चैनल को बदलाया गया है। इसराइल के दौरान ये रियलाइज किया गया है कि इन टैंकों में इस्तेमाल होने वाले 100 मिलीमीटर के कैनन इतने पावरफुल नहीं है कि इसराइल की जरूरतें पूरा कर सके। इसलिए इसराइल द्वारा इसमें ज्यादा पावरफुल वेस्टर्न देशों द्वारा बनाया हुआ 105 मिलीमीटर के M-68 कैनन को लगाया गया है। और दोस्तों, 1990 तक इन टैंकों का इसराइल द्वारा एक बेहतरीन टैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। 1990 के बाद इसराइल को लगा अब इनका इस्तेमाल टैंक के रूप में नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय तक टैंकों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुका था और ये टैंक उसके मुताबिक काम नहीं कर सकता था। तब 90 के दशक में इसराइल द्वारा इन टैंकों को तब्दील कर दिया गया है और इसमें इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट और टोरेंटो को हटाकर इसे टोटली एक आर्मर पर्सनल कैरियर के रूप में बदल दिया गया है। अभी अगर देखा जाए तो इसराइल के पास ऐसे अक्सरी हेवी आर्मर पर्सनल कैरियर है जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसराइल द्वारा प्रोटेक्टिव आर्मर को ही लगाया गया है। उसके डिज़ाइन को चेंज करने के साथ साथ उसके लैंडिंग डोर को भी इसके पीछे वाले हिस्से में बनाया गया है। इन कैरियर के द्वारा 7 क्रू को कैरी किया जा सकता है और इसे ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर की ज़रूरत होती है, जिसमें एक गनर, एक ड्राइवर और एक कमांडर होता है, जिसमें कम्युनिकेशन के लिए भी क्रू को तैनात किया जा सकता है। इसराइल के द्वारा इसके हथियारों को भी काफ़ी सिंपल रखा गया है। इसमें बेसिकली एक या दो 7.26 मिलीमीटर के गन को ही तैनात किया जा सकता है, पर ज़रूरत पड़ने पर इन गनों को 12.7 मिलीमीटर के हैवी मशीन गन या फिर ग्रेनेड लॉन्च में भी बदले जा सकता है। T-54 और T-55 टैंकों से जब टर्की को निकाला गया था तब इसका वजन घटकर लगभग 30 टन के आसपास हो गया था। फिर इसके बाद जब इसराइल द्वारा इसमें हैवी आर्मर प्रोटेक्टर को लगाया गया था तब सिग्निफिकेंटली इसका वजन थोड़ा बढ़ गया था। इसका वजन अभी फिलहाल 40 से 44 टन के आसपास है। इसी कारण इसे अन्य पर्सनल कैरियर के तुलना में ज़्यादा वजन वाले कैरियर के रूप में देखा जाता है और इसी कारण से इसे सुपर हैवी APC भी कहा जाता है। वैसे तो फ्रेंड्स, एक नॉर्मल APC का वजन 20 से 25 टन के आसपास होता है, लेकिन इसका वजन 40 से 44 टन के लगभग होने के कारण इसे दूसरे कैरियर के मुकाबले ज़्यादा प्रोटेक्टिव और सुरक्षित व्हीकल माना जाता है। सुनने में आया है कि इसका आर्मर प्रोटेक्टर इतना हैवी है कि 100 मिलीमीटर के कैनन भी इसे दबा नहीं कर सकता है, जबकि अन्य पर्सनल कैरियर 20 या 25 मिलीमीटर के कैनन को ही झेल सकता है। इन अक्सरी में स्टील आर्मर प्रोटेक्टर के साथ साथ कंपोजिट आर्मर प्रोटेक्शन को भी लगाया गया है। लगभग 14 टन के आर्मर प्रोटेक्टर के जरिए इसे प्रोटेक्ट किया जाता है। दोस्तों, इसराइल ने इसे सिर्फ प्रोटेक्टिव व्हीकल के रूप में ही नहीं बल्कि एक हाईली मैन्यूरेबल के रूप में भी बनाया है।
इसमें 85A92 इंजन का इस्तेमाल किया गया है जिसकी क्षमता लगभग 710 हॉर्स पावर है। इसके अलावा इसमें एल्सॉन YTG4115A ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को भी लगाया गया है जो इसे 65 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार तक चलने का क्षमता देता है और लगभग 550 किलोमीटर के एक रेंज भी प्रोवाइड करता है। और इसी वजह से दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि अक्सर ही दुनिया के कुछ गिने चुने आर्मर प्रोटेक्टिव आर्मर पर्सनल कैरियर है जिसे दुश्मन द्वारा तबाह करना लगभग नामुमकिन है। और फ्रेंड सुनने में आया है कि इसे और मजबूत करने के लिए इसमें 30 किलोमीटर के कैनन को भी फिट किए जाने वाले हैं। इसका इस्तेमाल इसराइल ने साउथ लेबनन के 1982 से 2000 तक चलने वाले युद्ध से लेकर सेकेंड इंटिफाडा 2000 के लेबनन वार और गाजा वार में भी किया है। इसकी लंबाई लगभग 6.2 मीटर, चौड़ाई लगभग 3.6 मीटर और हाइट लगभग 2 मीटर है। तीन क्रू मेंबर के साथ ये टोटल 10 पर्सन को कैरी कर सकता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट पे बताएं आप किस बारे में अगले वीडियो में जानना चाहते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।